हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल, जो सभी का एक फेवरेट ब्रेकफास्ट है या फिर इवनिंग स्नैक्स है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है आलूओं की पिट्ठी। उसके लिए मैंने लिए है 4 उबले हुए आलू और एक मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लेंगे। अब सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और साथ में कटा हुआ धनिया। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और पिट्ठी भी बनके तैयार है। मैंने लिए है ब्रेड के 4 स्लाइस। मैंने व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब इन 4 स्लाइस के हम एजेस को अलग कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन और इसमें ऐड करूंगी 1 ग्लास पानी। इस बात का ध्यान रहे, बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रेड का स्लाइस आसानी से भीग जाए। अब एक ब्रेड के स्लाइस को पानी में भिगोएंगे और फिर निकाल के ऐसे दोनों हाथों में ब्रेड के स्लाइस को प्रेस करेंगे और सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। आलू की पिट्ठी को हाथों में लेंगे और ऐसे रोल करेंगे और ब्रेड के ऊपर रखेंगे। और अब ब्रेड के स्लाइस को चारों तरफ से ऐसे रोल करेंगे। अब इसके बाद ऐसे शेप बना लेंगे। अब ऐसे करके बाकी बचे हुए ब्रेड के स्लाइस को भी ऐसे ही रोल बना लेंगे। अब 4 ब्रेड के रोल बना लिए हैं, तो इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अब ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है तो मैं ब्रेड रोल्स डाल रही हूँ और अब बीच बीच में इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि जो गोल्डन ब्राउन कलर है वो सारी जगह से आ जाए। इसमें कम से कम आपको 3 से 4 मिनट आराम से लग सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आप ब्रेड रोल्स को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए ब्रेड रोल को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड रोल रेडी है। गोल्डन ब्राउन होने के साथ साथ क्रिस्पी भी है। आप इसे सॉस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।